وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فصل لربك وانحر صدق الله العظيم हर किस्म दी हमदो सना अल्लाह वहदहु ला शरीक दी जात वास्ते दुरूदो सलाम पूरी कायनात दे सरदार मेरे और तुहाडे दिलां दी बहार जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी जात वास्ते। हजरात अज जिस कुराने पाक की आयत नू मैं तुसा अहबाब दे सामने तिलावत कीता है, इस दे अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नमाज दा तस्करा फरमाया है कि ऐ मेरे महबूब नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज नू अदा कीजिए और कुर्बानी कीजिए। नमाज इस्लाम के बुनियादी अरकान दे विचों अहम रुकन है। नमाज इस्लाम की बुनियाद और इस्लाम का सतून है। नमाज जन्नत दे विच जान वास्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान नू चाबी ते कुंजी दुनिया दे उपर दित्ती है। जितनियां नमाज़ां इंसान दे कोल दुनिया दे अंदर होणगियां ए बंदा उतनी शानो शौकत दे नाल रब दी जन्नत दा मेहमान बन जाएगा। हजरात दुनिया दे अंदर हर एक इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन दा बनाया होया इंसान। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुराने पाक दे अंदर इरशाद फरमाया है कि मैं जिन ते इंसानां नू अपनी इबादत वास्ते पैदा कीता है। इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन दी इबादत वास्ते दुनिया दे उते आया है। ये दुनिया दे उते आके अपनी मनमानी करता है, अपनी बादशाहत मनान दी कोशिश करता है। नबी अलैहिम सलातो सलाम ने फरमाया एक वक्त आएगा ये दुनिया दे उते नमाज़ा ना पढ़ने वाला कल कयामत वाले दिन इसनों अंधिया करके उठाया जाएगा। और इस शख्स नू अन्या करके उठाया जाएगा। नबी अली मुसलातो सलाम ने फरमाया है इस दे जड़े हाथ ने वो जमीन दी तरफ होंगे, सिर जमीन वाल होएगा, तेरिया लत्तां आसमान दी तरफ यानी के उपर नू होंगियां, ते अपने सर ते बल चल के मैदाने महशर दे विच जाएगा। और इसलिए सजा होएगी ना ये अखां तो देख सकेगा और ना ये दुनिया दी उत्ते जेड़े भी इसने काम काज कीते ने इन्हां दियां उतों गलतियां और परेशानियां तो बच सकेगा। नमाज दीन दा अहम सतून है। अशहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, जिस बंदे ने कह दिता मैं गवाही दिना वा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तो सवा इला कोई नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इलावा नबी कोई नहीं, लेकिन फिर नमाज छोड़ देंदा है, फिर जो नबी पाक ने फरमाया है उसके उत्ते अमल नहीं करता, दसो इसने कलमे का की मुल पाया, इसने कलमे नू की पहचानिया है अगर नमाज ही नहीं पढ़ता। नमाज इस्लाम का सतून है। जिस बंदे ने पूरी बिल्डिंग नू तैयार कीता होए, तैयार करके जनाब उसके सतून नू सुट दिता जाए, क्या वो बिल्डिंग कामयाब रहेगी? वो बिल्डिंग कुछ ना कुछ दिनों के अंदर जमीन के उत्ते गिर जाए। अगर तू नमाज ही नहीं पढ़ता तेरिया दूसरिया इबादत दराम करके जमीन दे उत्ते गिर जान गियां, अल्लाह नू तेरी इबादत दी जरूरत ही नहीं अगर तू नमाज ही नहीं पढ़ता।
तू रोजा रखें, तू जकात दें, तू सदका और खैरात करें, तू और ऐसे काम करें नमाज तो अलावा जड़े नेकी वाले ने, लेकिन नमाज ना पढ़े। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बकाया अमल अल्लाह पाक इसने बर्बाद ते तबाह करके इसके मुंह देते मार देते, जा चला जा, तू मेरे सामने सजदा करता नहीं, लोगों दी नजरां च नेक बनया फिरदा। इस करके नमाज दीन दा अहम सतून है, नमाज ही कामयाबी दा रस्ता है, नमाज ही कल कयामत वाले दिन इंसान नूं जन्नत दे अंदर लैके जाएगी। अगर बेनमाज दुनिया दे उत्ते मर गया, नबी अलैहिम सलातो व सलाम ने फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन एक मुशरक बंदा और दूसरा बेनमाज बंदा और दुनिया दे उत्ते बड़ा कबीरा गुनाह करने वाला बंदा, इस बंदे दी मुआफी नहीं होएगी। अल्लाह पाक छोटे गुनाहों नूं माफ करके दूसरियां बंदियां नूं जन्नत दा टिकट अदा कर देगा, लेकिन शर्त है कि कलमा और नमाज इस बंदे दा पक्का हो। तवज्जो करना, गौर करना, अल्लाह रब्बुल आलमीन दे कुरान दे विचों मैं जिस बात दा ऐलान करना चाहना, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नमाज दे मुतल्लक नबी अलैहिस्सलातो वस्सलाम जो दसे आए, जो कुरान पाक दे अंदर आए, उसनु बयान करके मैं अपनी बात नु खत्म करांगा। तवज्जो करना, गौर करना, अल्लाह रब्बुल आलमीन दा कुरान इसे बात दा ता ऐलान कर रहे है, मेरे तेरे पाक पैगंबर पूरी कायनात दे सरदार इमामुल अंबिया खतीबुल अंबिया जग्गां दे पीर रहमतुल लिल आलमीन नबी जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पैगंबर दे सीने दे उत्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान नु नाजल कीता है। अल्लाह फरमांदे ने मेरे महबूब नबी कह दीजिए, अल्लाह की कहना है, फरमाया कह दीजिए कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह फरमांदे ने दुनिया ते कायनात दिया लोगों नूं कह दियो कि जेड़ी मेरी नमाज है, जेड़ी मेरी कुर्बानी है, जेड़ा मेरा दुनिया दे उत्ते जीना ते मरना है, सिर्फ अल्लाह पाक दी जात वास्ते वे। दुनिया दे उत्ते पढ़िया नमाजां रब दी जात वास्ते ने, दुनिया दे उत्ते कीते सजदे रब दी जात वास्ते ने। मेरे नबी सारी जिंदगी रब नूं मनांदिया नगा दित्ती है, अल्लाह दे नबी दुनिया दे उत्ते जितनियां भी नमाजां पढ़िया ने रब दी रजा वास्ते पढ़िया ने। अल्लाह दे नबी ने दुनिया दे उत्ते जितने भी नेक काम कीते ने रब दी रजा वास्ते कीते ने, किसे नूं दिखाण वास्ते नहीं कीते, किसे चौधरी दे कोलों शाबाश लैण वास्ते नहीं कीते, किसे जनाब साहबी दे कोलों अपनी बल्ले बल्ले कराण वास्ते नहीं कीते, बल्कि मेरा नबी दुनिया दे उत्ते नेकी दे काम रब दी रजा वास्ते करदा रहा है। अल्लाह फरमांदे ने मेरे महबूब नबी जी नमाज जेड़ी है मेरे वास्ते होनी चाहिदी है, ऐ मेरे नबी मैं रोटी तेनू अता कर दिती है, मैं रिजक तेनू अता कर दिता है, मैं दुनिया दे उत्ते सरदारी तेनू अता कर दिती है, मैं दुनिया दे उत्ते बादशाहत तेनू अता कर दिती है, मैं दुनिया दे उत्ते तेनू बादशाही देते, मैं दुनिया दे उत्ते तेनू रहनुमा बना के भेज दिता है, बस मैनू कुछ नहीं चाहिदा, मैनू एक चीज चाहिदी है दुनिया दे उत्ते फसल्ली लिरब्बी का वन हर, मेरे नाम दियां नमाजां पढ़ते मेरे नाम दियां कुर्बानियां कर। मेरे नबी दुनिया दे उत्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन दी रजा वास्ते सब कुछ करदे रहे ने।
अल्लाह दे नबी दुनिया दे उत्ते रब दी रज़ा वास्ते सब कुछ करदे रहे ने। अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने, ऐ मेरे साथियो सहाबा, ऐ जड़ी नमाज़ ना मेरी अखियां दा नूर है, ऐ जड़ी नमाज़ ना मेरे दिल दा सुरूर है, ऐ जड़ी नमाज़ ना मेरियां अखां नूं ठंडक पहुंचांदी है, बल्कि मेरे तेरे पाक पैगंबर अलैहि सलातो सलाम दे आखरी आखरी लम्हात ने मेरे नबी दी जुबान दे उत्ते कोई जुमला है। अल्लाह दे नबी फरमांदे ने, अस्सलात 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 वमा मलकत ईमानुकुम, ऐ मेरे सहाबा मेरे तो बाद नमाज नू ना छोड़िया जे, नमाज पढ़दे रहा जे, ऐ मेरे सहाबा नमाज दी कमी कुताही ना करिया जे, जेड़ी नमाज ना मैं मुहम्मद दियां अखियां दा नूर है, ऐ जेड़ी नमाज ना मैं मुहम्मद दियां अखियां दी ठंडक है। अज तू दुनिया दे उत्ते सदका करें खैरात करें, तू दुनिया दे उत्ते नेकी दे कम करदा रहे मेरे भाई, जब तक तेरे पलड़े दे अंदर नमाज वाला अमल नहीं होएगा तू दुनिया दे उत्ते कामयाब नहीं हो सकदा, तू दुनिया दे उत्ते कदी भी रब दी जन्नत दे मेहमान नहीं बन सकदा, तू जितने भी नेक अमल कर ले रब दी जन्नत च नहीं पहुंच सकदा जब तक तेरे कोल नमाज नहीं है। तू नमाज दा पैकर बन जा, नमाज पढ़ने वाला बन जा। अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया दे उत्ते कदी भी जिंदगी दे अंदर नमाज नहीं छोड़ी, अपनी नमाज नूं छोड़ना ते दरकिनारे कदी लेट भी नहीं कीती। मेरे नबी नमाज पढ़दे रहे ने। अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने, जेड़ा बंदा जान बुझ के दुनिया दे उत्ते नमाज छोड़दा है, जान बुझ के दुनिया दे उत्ते नमाज छोड़दा है। मां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जेड़ा बंदा दुनिया दे उत्ते नमाज छोड़दा है, ऐ जीए जिवें दुनिया दे उत्ते गैर मुसलमान दी लिस्ट दे अंदर तुरिया फिरदा है, ऐ जीए जिवें गैर मुसलमान तुरिया फिरदा। जदों दुनिया दे उत्ते तू नमाज छोड़दा है मेरे भाई, कल कयामत वाला दिन होएगा, मेरे तेरे पाक पैगंबर अलैहि सलातो सलाम फरमांदे ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बंदे नूं अन्या करके अपने दरबार दे अंदर पेश करेगा। अल्लाह पाक फरमाणगे, हाँ भी बंदिया हुण दस, दुनिया दे उत्ते ते बड़ा कहना सै, अजान सुन के दूर चला जांदा सै, हुण दस दुनिया दे उत्ते तेरी बादशाही सी या हुण मेरी बादशाही है। अल्लाह फरमान के लिमा मुल्कुल यौम, ओ दस अज दे दिन दी बादशाही की दिए, तू दुनिया दे उत्ते कहंदा सै नमाज मेरा कुछ नहीं बगाड़ सकती, मैं दुनिया दे उत्ते नमाज ना भी पढ़ा मैं जन्नत दा ठेकेदार हां, ओ खुदा दी कसम नमाज तो बगैर बंदे नु जन्नत नहीं लभनी। मेरे तेरे पाक पैगंबर अलैहिम सलातो सलाम अपने सहाबाई कराम दे अंदर बैठे हुए ने, एक अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सहाबी नुकरे लाके रोई जा रहा है, अखां दे विचों आंसू बहाई जा रहे, रोई जा रहे, रोई जा रहे है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज मारी है, आवाज मार के मेरे नबी ने फरमाया, ओ मेरे प्यारे सहाबी की गल है, तेनू किस चीज ने अज रोण दे उत्ते मजबूर कर दिता है, तो रोई जा रहे हैं। ये सहाबी रसूल कहन लगा, अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी मेरी गल सुनो, मैं रोजाना जदों भी नमाज पढ़ना पहली तकबीर दे नाल नमाज पढ़ना, मैं नमाज जदों भी पढ़ना इमाम अल्लाहु अकबर कहंदा ते मैं पीछे खड़ा हुंदा, लेकिन रात जड़ी मेरी नमाज गुजरी है, अल्लाह दे नबी जी तुसी अल्लाहु अकबर कह दिता है लेकिन मैं पीछे नहीं सा, हालांकि मैं पहली रकत दे अंदर आके मिल गया, लेकिन जदों तुसी अल्लाहु अकबर कहा ते मैं पहली रकत दे अंदर उस टाइम मौजूद नहीं सा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा साहब
ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਐ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਕਬੀਰੇ ਉਲਾ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ ਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਅੰਜਾਮ ਕੀ ਬਣੇਗਾ पता नहीं मेनू की मुकी हो गया है पता नहीं मेरा अंजाम की बनेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओ मेरे सहाबी रोना इन्नमल आमालु बिन्नियात अल्लाह पाक ने तेरी नियत वाल वेख के तेनू पूरे का पूरा सवाब अता कर दिता है। दुनिया के उत्ते जड़ा नमाज पढ़ने वाला बंदा हो ना अगर ओदी तकबीरे उला रह जाए खुदा दी कसम ओदे दिल दे अंदर अफसोस लग्या रहंदा है मेरी ते नमाज दी तकबीरे उला रह गई। इमाम ने अल्लाह अकबर कही मैं पीछे मौजूद ही नहीं। नबी अलैहि सलातो सलाम दे साहबी नु किस चीज दा गम है मैं तकबीरे उला ना नमाज छोड़ दीती है हालांकि नमाज पढ़ी है लेकिन की गम है मैं पहली तकबीर दे नाल नमाज नहीं पढ़ी। खुदा दी कसमे इस तरह का गम और दुख अगर साडे अंदर आ जाए सानू कोई दुनिया की ताकत कुछ ना कह सके। अज असी कहने असी पाकिस्तान के अंदर परेशान फिरते हैं कद तो परेशान असी नमाज न छोड़े। आओ जरा तवज्जो करना गौर करना अल्लाह रब्बुल आलमीन दे प्यारे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे तेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा नमाज नु ना छोड़िया जे नमाज नु ना छोड़िया जे नमाज नु तरक करना जी जिवें गैर मुसलमान दी लिस्ट दे अंदर बंदा शामिल हो गया है। अल्लाह दे प्यारे महबूब नबी फरमाया कर दे ऐ कायनात लोगो कदी भी नमाज नु ना छोड़ियो ऐ जड़ी नमाज ना बंदे नु बेहयाई तो रोक दिए बंदे नु बुरियां कम्मां तो रोक दिए। नबी अलैहिम सलातो सलाम दे उत्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान नाजल कीता है। अल्लाह फरमांदे ने मेरे महबूब नबी अल्लाह दा सब तो बड़ा अगर कोई जिक्र है मेरा अगर सब तो वड्डा कोई जिक्र है ओ नमाज है जड़ा बंदा नमाज नु छोड़दा है जिवें उस बंदे ने मेरे सब तो बड़े जिक्र दा इनकार कर दिता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने अल्लाह पाक दे सब तो बड़े जिक्र दा इनकार करने वाला बंदा मोमन नहीं रहिंदा बेहया बन जांदा है इस्लाम वाला नहीं रहिंदा बेदीन बन जांदा है। दुनिया दे उत्ते नमाज छोड़ने वाला बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन दी जन्नत तो दूर हो जांदा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने ऐ जड़ी नमाज बेहयाई तो रोक दिए बुरियां कम्मां तो रोक दिए। अज जरा अपने इस इलाके दे अंदर नजर दौड़ा के वेख लै जिहड़ा सब तो बड़ा बेनमाज होएगा ओ उतना ही बड़ा बेहया होएगा जिहड़ा बेनमाज होएगा ओ उतना ही बड़ा बेवकार होएगा जिहड़ा सब तो बड़ा बेनमाज होएगा ओ उतना ही दुनिया दा गुंडा इंसान होएगा। ओ खुदा दी कसम जिहड़ा बंदा नमाज छोड़दा है ओ शराबां पीवण लग जांदा है जिहड़ा बंदा नमाज छोड़दा है ओ दुनिया दे उत्ते नशा करना शुरू कर दिंदा है जिहड़ा बंदा नमाज छोड़दा है ओ दुनिया दे उत्ते हर बेहयाई दा कम करना शुरू कर दिंदा है। इस करके जिहड़ी ए नमाज इना नमाज बंदे नू मोमन बना दिंदी है नमाज बंदे नू इस्लाम वाला बना दिंदी है ए जिहड़ी नमाज इना इंसान नू बुरियां कम्मां तो रोक के रब दी जन्नत दा मेहमान बना दिंदी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पहला जितने भी सहाबा इकराम गुजरे ने ओ खुदा दी कसम नबी पाक दे आन तो पहला जेड़े लोग काफर सन शराबा पीन
वाले, चोरियां करने वाले, डकैतियां करने वाले, डाके मारने वाले, लोगों की इज्जत को लुटने वाले लोग, जो मेरे नबी ने नमाज का ऐलान कर दिता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज का ऐलान किया है, जेड़े चोर ने और लोगों की इज्जत के मुहाफिज बन जाते ने, और जेड़े इस्लाम तो दूर ने वो इस्लाम वाले बन जाते ने, जेड़े बेहया ने वो मुत्तकी बन जाते ने, जेड़े दीने इस्लाम तो दूर निकल गए सन, मेरे नबी ने इस्लाम का आके बोल बाला कीता है, ओ ही बंदे मेरे नबी तो बाद दीने इस्लाम दे मुहाफिज ते ठेकेदार बन जाते ने। ओ खुदा दी कसमे हजरत अबू बकर सिद्दीक तो लैके मेरे नबी दे आखरी सहाबी तक ये सारे दे सारे मेरे नबी दे यार जितने बेनमाजी सन सब दे सब मेरे रब दी जन्नत दे मेहमान बन गए, अल्लाह दी जन्नत दे मेहमान बन गए। दुनिया दे उत्ते नमाज़ां छोड़ दे सन, लोगों दी इज्जतां ते डाके मार दे सन, डकैतियां कर दे सन, लेकिन मेरे नबी ने जो नमाज का ऐलान किया सहाबा इकराम बन गए, जोग दर जोग मस्जिद के अंदर आने लग गए, और इतना प्यार नमाज के नाल पाया इन सहाबा ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्हों का तस्करा अज भी कुरान पाक के अंदर जिंदा कर दिया। और जड़ा बंदा नमाज पढ़ता रहता है ना अपने आखिरी साह तक, खुदा की कसमे उदा मरने तो बाद भी तस्करा होता रहता है, और जेड़ा बंदा नमाज छोड़ता है ना उदा किदां दा तज़किरा हुंदा है, यार वो बंदा नमाज नहीं सी पढ़ता, वो बंदा इस्लाम तो दूर सी, जेड़ा बंदा नमाज और इस्लाम तो दूर हो जाता है कोई भी इंसान उदा अच्छा तज़किरा करने वास्ते तैयार नहीं हुंदा। क्यों नहीं तैयार हुंदा? क्योंकि वो बंदा बेनमाज, बेनमाज बंदे की इज्जत अल्लाह पाक दुनिया के अंदर खत्म कर दे, और अपने आप नूं दुनिया दे उत्ते कोई जितना मर्जी ठेकेदार कहलांदा रहे, कोई जितना मर्जी अपने आप नूं इज्जतदार कहलांदा रहे, लेकिन जब तक ये रब की नमाज पढ़ता रहेगा लोगों दियां नजरां दे अंदर सही इज्जतदार इंसान होएगा। अज साडी पता की गल सानूं पता की हो गया है, असीं लोगों दे कोलों इज्जत लैण वास्ते लोगों दे मूंह दे उत्ते तारीफ कराने आ, यार फलाने ने मेरी तारीफ कीती है, फलाने ने मेरी तारीफ कीती है, जो कंड फेर जाते ने उही लोग गालां कढ़ने आ जाते, उही लोग बुरा कहने वाले होते ने, उही लोग जलील करने वाले होते ने, उही लोग दो यारां दे अंदर बैठ के तीसरे यार नूं बदनाम करने वाले होते ने। और जिहड़ा बंदा नमाज पढ़ने वाला होए नमाज़ां पढ़न लग जाए और जो उन्होंने कोलो सलाम लैके उठ के जाएगा लोग कहणगे यार ये बंदा नमाज पढ़न लग गया, ये नेक बन गया, चल छड यार ये नमाजी बंदा है, मैं लोगों नूं हया करदे आ देखिया नमाजी बंदा। और जेड़ा बंदा नमाज नहीं पढ़ता उन्हों खुदा की कसमे जितना मर्जी उच्चा रुतबे का मालक हो लोग उसकी इज्जत सही तरीके दे नाल नहीं करता। इज्जतदार इंसान वो इंसान है जेड़ा बंदा पांच वक्त का नमाजी। आओ जरा तवज्जो करना गौर करना, मेरे तेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह दे प्यारे नबी जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह अलैहि मुसल्लातु वसलाम, मेरे पाक पैगंबर दे यारा ने कदी अपनी जिंदगी दे अंदर नमाज नूं नहीं छोड़िया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सारी जिंदगी नमाज बड़िया ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने जेड़ा बंदा जान बुझ के नमाज नू छोड़दा है, जान बुझ के नमाज छोड़दा है, जनाब मैं कम काज दे अंदर लगा रहा, मैं फलां कम कर रहा सी इस करके मैं नमाज नहीं पढ़ी, मैं फलां कम कर रहा सी इस करके नमाज निकल गई, मैं सो रहा सी मेरी नमाज निकल गई, मेरे तेरे पाक पैगंबर अलैहिम सलातो सलाम फरमांदे ने इस दा बहाना दुनिया दे अंदर ते चल सकदा है, लेकिन कल कयामत वाले दिन रब दे दरबार दे विच नहीं चल सकेगा, अल्लाह दे दरबार दे अंदर इहदा बहाना नहीं चलेगा,
अल्लाह फरमाते ने जड़ा मैं तेनू कारोबार अता किया है, पंज मिनट उस कारोबार नु बंद करके नमाज नहीं पढ़ता। ओ खुदा दी कसमे जिस रब ने तेनू प्यारी ते मिठी नींद अता की दी है, पंज ते दस मिनट इस नींद नु कुर्बान करके नमाज नहीं पढ़ता। अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने दुनिया दे उत्ते बहाने लाने वाला बंदा कल कियामत वाले दिन दे सारे बहाने खुल के गया जानगे। कहता है मेरे कपड़े पलीत ने, कहता है मैनू मस्जिद दे मौलवी दे कोलों डर लगता है, कहता है जनाब मैं इतने दिनों बाद मस्जिद दे अंदर जावांगा ते लोग की कहणगे, एक नया दिनों बाद मस्जिद दे अंदर आया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने एक मोहब्बत करने वाला इंसान ओदे कोलों दूसरा मोहब्बत करने वाला इंसान दूर निकल जाए, जदों दूर निकल जांदा है ना कई सालां दे बाद कई दिनां दे बाद उहनूं मिलदा है, वेखदा है यार तू कितने दिनां बाद मिले आए, उठदा है उठ के जनाब जप्पी पांदा है सीने लांदा है, कहंदा है यार तू कितने दिनां बाद मैनूं मिले आए। इंसान ओदी इज्जत ज्यादा करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ते ज्यादा गैरतमंद है, अल्लाह पाक ते ज्यादा इज्जत करने वाला है। अगर तू कई महीनों दे बाद रब वल आएगा मेरा रब देख के खुश होएगा, देखो मेरे फरिश्ते हो मेरा बंदा आया है, ओ देखो मेरा बंदा आया इतने दिनों बाद आया है, देखो ना मस्जिद दे अंदर आ गया है। ऐ मेरे बंदे की मंगना चाहना है मंग लै, अल्लाह फरमांदे ने ऐ मेरे बंदे तू दुनिया दियां गल्लां सुनदा रहे लेकिन फिर भी मेरे दर दे उत्ते आ गया है, आ जा मंग लै जो कुछ चाहना है तेरा रब, हां क्यों शर्माना है ऐ बुए गैरां दे क्यों जानना है, पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह और मेरे मिलने नु लगदा कराया नहीं मैं कोई दूर महल बनाया नहीं, उते चौकीदारे बठाया नहीं, पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह फरमांदे ने इंसान तू कितने दिनों बाद मेरे दर दे उत्ते आ गया, आ जा मैं तेनू अपनी रहमत दी लपेट दे अंदर लै लवां, इंसान तू आ गया है आ जा मैं तेनू अपनी रहमत दी जप्पी दे अंदर लपेट लां। ओ खुदा दी कसम मेरा रब आसमान दे उत्ते बैठ के ऐसे बंदे नू देख के खुश हो जांदा है। ओ खुदा दी कसम नमाज पढ़िया कर, नमाज पढ़न दे नाल अल्लाह दे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने इंसान दे चेहरे दा नूर नहीं मरदा, जिहड़ा बंदा इंसान दुनिया दे उत्ते नमाज़ां पढ़दा है अल्लाह पाक दे चेहरे ते नूर नू बरकरार रखदा है। ओ खुदा दी कसम मैं कई ऐसे बुजुर्ग दिखाना जिहड़े दुनिया दे उत्तो फौत हुंदे ने, नमाज़ां पढ़दे दुनिया दे उत्तो चले गए ने, जदों खुदा दी कसम इन्हां नू गुसल दिंदे आ गुसल दिंदे आ ना दे चेहरे इंज चमक रहे हुंदे ने जिवें आसमान ते चंद चमकदा है। ओ खुदा दी कसम मेरे उस्ताद मोहतरम मौलाना यूनस भट्ट रहमतुल्लाह तआला ले जदों दुनिया दे उत्तो फौत होए ने, ओ खुदा दी कसम मैं उन्हां दा चेहरा वेख्या है हसदे ते मुस्कुराते दुनिया दे उत्तो जा रहे ने, कोई दूर दी गल नहीं ऐ तेरी शेख कलोनी फैसलाबाद दे अंदर रमजान उल मुबारक दे अंदर फौत होने वाला शहजादा कारी अब्दुल हफीज फैसलाबादी। ओ खुदा दी कसम जदों फेसबुक दे उत्ते उन्हां दी तस्वीर वायरल होई है मरने तो बाद भी उन्हां दा चेहरा मुस्कुरा रहा है, का तो मुस्कुरा रहा है, दुनिया दे उत्ते नमाज़ां पढ़ते रहे ने अल्लाह 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 करते रहे ने अल्लाह नू याद करते रहे ने। ओ मेरे भाई तू ही रब नू याद करिया कर, तू ही अल्लाह पाक नू आके मनाया कर, अल्लाह पाक दे
सामने आंदा कराया नहीं हो लगता, रब दे सामने आंदे नाल रब दूर नहीं पजांदा। ए दुनिया दे इंसाना तरह मेरा रब नहीं करदा। अल्लाह ए नहीं कहंदे, अल्लाह ए नहीं कहंदे इंसान तू बड़ी देर में तो दूर रह के आया है, हुण मेरे दरवाजे ते की लैण आया है। ओ खुदा दी कसम, दुनिया दे उत्ते किसे इंसान दे नाल जो जाए, किसे रिश्तेदार दे नाल जो जाए, दूसरा रिश्तेदार कहंदे ओ तू मेरे दरवाजे दे उत्ते की लैण वास्ते आया है, जा चला जा, जा चला जा। लेकिन खुदा दी कसम मेरा रब इस तरह नहीं करदा। अल्लाह कहंदे ने ओ इंसान तू आ ते गया है, हुण आ जा, मैं तेरे सारे दे सारे गुनाहां नूं माफ करके नेकियां दे अंदर तब्दील कर दिंदा वां। मेरा रब नेकियां दे अंदर तेरे गुनाहां नूं तब्दील करन ते कादर है। ओ हर शै ते कादर कदीर ओ, जो चांदा है करके दिखा दिंदा है। फसियां होयां लाचार बंदियां ताई, कश्तियां पार लगा दिंदा है। ओ इत्थे कोई नहीं डुबदा, कोई नहीं डुबदा, बस डुबदा ओ जड़ा रब दी रहमत तो दूर हुंदा। नहीं ते हर एक बंदे नूं मेरा रब किनारे तक पहुंचा दिंदा है। हर एक नूं किनारे तक पहुंचाण वाला कौन है? बोलो कौन है? और नमाज़ां पढ़न दे नाल खुदा दी कसमे इंसान दा डीजल कम नहीं हुंदा, इंसान दे अंदरों पेट्रोल खत्म नहीं हुंदा, ओदी ताकत बहाल रहिंदी है। नबी अलैहि सलातो व सलाम ने फरमाया, हालांकि नमाज है, नमाज इबादत है, जड़ा बंदा पांच वक्त दी नमाज पढ़दा है, वुजू करदा है, पांच टाइम वुजू करदा है, खुदा दी कसम है इस बंदे नूं बीमारियां नहीं लगदी, बीमारियां तो दूर हो जांदा है। दुनिया दे उत्ते जितनियां भी बीमारियां बनदियां ने, मूजी मर्जा बनदियां ने, ये खुदा दी कसम रब तो दूर जानदियां निशानियां, अल्लाह पाक तो दूर जानदियां निशानियां। बेनमाज बंदा किदों करार पांदा है? आओ जरा तवज्जो करना, नबी अलैहिम सलातो सलाम दे उत्ते जिहड़ा कुरान नाजिल होया है, अल्लाह दे प्यारे महबूब पैगंबर को जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु उच्ची बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे तेरे पाक पैगंबर अलैहिम सलातो सलाम फरमांदे ने, अल्लाह दे महबूब पैगंबर अलैहिम सलातो सलाम फरमांदे ने, जन्नती बंदियां नूं कल कयामत वाले दिन मेरा रब जन्नत अता कर देगा, और जनाब जहन्नमी बंदे जहन्नम दे अंदर चले जाणगे। जहन्नमी बंदे जहन्नम दे अंदर, जन्नती बंदे जन्नत दे अंदर। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्हां दा आमना सामना करवाएगा, इन्हां दी आपस दे अंदर गुफ्तगू करवाएगा। जन्नती जन्नत दे अंदर बैठ के, जहन्नमी जहन्नम दे अंदर बैठ के गुफ्तगू करनगे। अल्लाह दे महबूब पैगंबर अलैहिम सलातो व सलाम फरमांदे ने, इधर ओदा बाप बैठा है, बेटा जहन्नम दे अंदर नजर आ रहा है, इधरों बेटा जन्नत दे विच बैठा है, बाप जहन्नम दे विच नजर आ रहा है, इधरों रिश्तेदार जन्नत दे अंदर बैठे ने, आप जहन्नम दे विच बैठा नजर आ रहा है। ते सारे आपस दे विच गल्लां पे करदे ने, आपस दे अंदर सवाल पे करदे ने। अल्लाह फरमांदे ने, मा सलककुम फी सकर, ए आपस दे अंदर एक दूसरे नु सवाल पे करदे ने, ए दसो ते सही सानू जहन्नम दे अंदर लै के आण वाली चीज केड़ी है, जहन्नम दे विच असी किस तरह आ गए हां, ए जहन्नम साडे नाल किस तरह पर चुकी है। ए जन्नती लोगां नु सवाल करनगे ते जन्नती इन्हां नु सवाल करनगे, ओ यार तुसी किस तरह जहन्नम दे अंदर आ गए हो, आपां ते कट्ठे दुनिया दे उत्ते मजाक करने वाले, कट्ठे इको महफलां दे अंदर बैठने वाले, कट्ठे दोस्तियां ते यारियां नभाण वाले, दसो ते सही तुसी जहन्नम दे अंदर ते असी जन्नत दे अंदर किस तरह आ गए। ए सारे दे सारे बोल के कहणगे, कालू लम नकु मिनल मुसल्ली,
तुसी अजान सुन के रब दे घर दे अंदर चले जांदे, तुसी जनाब अजाना सुन के नमाज़ां पढ़न वास्ते टुर जांदे, लेकिन असी नमाज़ां सुन के अपने अपने घरां नूं चले जांदे। तुसी अजान सुनदे ते रब दे दरबार वल नूं भजना शुरू कर दिंदे, असी अजान सुनदे ते अपने घरां वल जाके अपने बिस्तरियां दे अंदर लेट जांदे। सानूं इह चीज जहन्नम दे अंदर ले आई है। अल्लाह दे महबूब पैगंबर अलैहिम सलातो वसलाम फरमांदे ने, ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਹੰਮੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਓ ਯਾਰ ਜਨਤੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਪੀਣ ਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਜਹੰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਸ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਏ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਐਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਵਾਂਗਾ, ਬਲਕਿ ਇਲਾ ਹਮੀਮਾਂ ਵਾ ਗਸਾਕਾ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਨਮਾਜ਼ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਵਾਂਗਾ, ਬਲਕਿ ਹਮੀਮ ਤੇ ਗਸਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਲਾਵਾਂਗਾ। ਹਮੀਮ ਤੇ ਗਸਾਕ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਹਮੀਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਖੋਲਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਖੋਲਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ। ਕਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਖੋਲਦਾ ਹੋਇਆ? ਜਹੰਮੀਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਖੋਲਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜਨਾਬ ਬੇਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਇੰਜ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਇੰਜ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਫਰਿਸ਼ਤਾ, ਔਰ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਕਹੇਗਾ ਪੀ ਇਸ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੀਏਗਾ ਨਹੀਂ। ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਫਿਰ ਲੋਹੇ ਦੀ ਲੱਠ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਰੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਬ ਅੰਗਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਪਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਮਾਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਮਾਰੇਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਮ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮੀਮ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰੇਗਾ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਂਠ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਊਂਠਾਂ ਦੇ ਹੋਂਠ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਜਨਾਬ ਭਾਫ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਊਂਠਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਂਠ ਸੁੱਜ ਕੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਊਂਠਾਂ ਦੇ ਹੋਂਠ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਂਠ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੁੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਣਗੇ, ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਪੀਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਪੀਏਗਾ ਨਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਿਘਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਪਿਘਲ ਕੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਤਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਬੇਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਤਨਾ ਜਨਾਬ ਜ਼ਬਰ ਬੇਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਇਤਨਾ ਅਜ਼ਾਬ ਬੇਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮੇ, ਹਜੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਤੇ ਕਿਦੋਂ ਆਣਾ ਏ? ਇਹ ਹਮੀਮੇ ਹਮੀਮੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਪੀਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਲਾ ਹਮੀਮਾਂ ਵਾ ਗਸਾਕਾ, ਇਹ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਹਮੀਮ ਨੂੰ ਪੀਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਸਾਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਮਰ ਜਾਏ, ਲਾਗੇ ਆਉਂਦੀ ਨੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਲੇ ਖਲੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਬੂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏਗੀ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਗਰ ਇਹ ਗਸਾਕ ਦਾ ਇੱਕ ਡੋਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਾਬ ਛਿੜਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਰਵੇ, ਔਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਹਰਿਆਲੀ ਉਂਝੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਗਸਾਕ ਪਾਣੀ ਇਤਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਏ, ਔਰ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾਲੋਂ ਭੈੜੀ ਬਦਬੂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਏ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ? ਬੇਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ? ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਛੋੜਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਛੋੜਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਏ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਏ ਵੇ, ਉਹ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਹੰਨਮ ਦਾ ਬਾਲਣ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਹੰਨਮ ਦਾ ਬਾਲਣ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਵੈਲੁਲ ਲਿਲ ਮੁਸੱਲੀਨ ਅਲਜ
सलातीम साहून। ऐ दुनिया दे उत्ते नमाज़ां पढ़ने वाले, नमाज़ां पढ़ने वाले नमाज तां पढ़दे ने लेकिन खुदा दी कसमे रब दा जिक्र तक नहीं करदे। नमाज़ां तां पढ़दे ने, पढ़ के जल्दी जल्दी भज जांदे ने, नमाज ते पढ़दे ने लेकिन कौवे दी तरह, कौवे दी तरह ठोंके लगा के भज जांदे ने। नमाज ते पढ़दे ने लेकिन इन्हां दा ध्यान कारोबार वल लग्या रहिंदा ए। नमाज ते पढ़दे ने इन्हां दा ध्यान बाजार वल लग्या रहिंदा ए। नमाज ता पढ़दे ने इन्हां दा ध्यान महफलां वल लग्या रहिंदा ए। नमाज ता पढ़दे ने लेकिन रब नूं जनाब सामने रख के नमाज नहीं पढ़दे। अपने दिल दे अंदर कुजोरी सोची जा रहे ने, अपने दिमाग दे अंदर हिसाबो किताब दुड़ाई जा रहे ने। फवैलुल मुसल्लीन, नमाज दे अंदर कमी कुताई भी करदे ने। अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने, ऐसे बंदियां नूं मेरा रब जहन्नम दे वैल गड़े दे अंदर सुट देगा। और जेड़ा वैल जहन्नम दा गड़ा है ना, ये जहन्नम दा सब तो नीचला गड़ा है, जिदे अंदर झूठियां बंदियां नूं और नमाज पढ़ने वाले, ओ नमाज पढ़ने वाले जेड़े नमाज तां पढ़दे ने लेकिन नमाज दे उत्ते ध्यान नहीं पाउंदे, नमाज दे उत्ते ध्यान नहीं करदे, नमाज तां पढ़दे। नबी अलैहि सलातो सलाम ने फरमाया जहन्नम दे सब तो नीचले गड़े दे अंदर चलेगा। मेरे भाई, नमाज जेड़ा बंदा पढ़दा है लेकिन ओदे अंदर कमी कुताई करदा है, ओ बंदा जहन्नम दे अंदर जाएगा। असी ते नमाज़ां ही नहीं पढ़दे, असी ते रब नूं सजदे ही नहीं करदे, असी अल्लाह रब्बुल आलमीन दे सामने आके झुक के नहीं देखदे। नबी अलैहि सलातो सलाम ने फरमाया सजदा ऐ सिर जेड़ा है ना तेरे रब ने तेनूं अता कीता है, और अगर ये रब दे सामने ना झुके ते तू इसका की मुल अदा कीता है, तू की मुल पाया इसका। ओ यार, एक रब सजदा मांगदा तेरे कोलो, तू रब दे सामने सजदा करन वास्ते तैयार नहीं हुंदा। अपने यारां दे अंदर बैठन वास्ते टाइम बड़ा है लेकिन जिस रब ने तेनूं बनाया है उस रब दे सामने आन वास्ते तेरे को एक वक्त दा टाइम नहीं, नमाज पढ़ने दा टाइम नहीं। कारोबार ते करदा है, जिहड़ा कारोबार भी मेरे रब ने अता कीता है, हर एक काम करदा है जिहड़ा मेरे रब ने तेनूं अता कीता है लेकिन जिहड़ा सिर अता कीता है उहदे नाल सजदा नहीं करदा। असीं लोगां नूं ते बड़ा कहिंदे आ ओ फलाना मुशरक है, ओ मुशरक है, एदा मुशरक ने, ये सजदे करदे ने कबरां दे उत्ते जाके। ओ यार, तुसी सजदा करदे नहीं, तुसी की होए। एक बंदा सजदा करदा है और नमाज पढ़दा है लेकिन गैरुल्लाह दे सामने सजदा करदा है, असीं उहनूं मुशरक कहने आ। और जिहड़ा बंदा सजदा ही नहीं करदा, अल्लाह पाक दे सामने झुकदा ही नहीं, ओ भी मुशरक बंदा है। हदीसे पाक दे अंदर, सही मुस्लिम दे अंदर रवायत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जेड़ा बंदा दुनिया दे उत्ते नमाज छोड़ दे एंजीए जिवें अपने रब दे नाल शिरक करदा है, और मेरा रब हर गुनाह मुआफ कर देगा, शिरक नूं मुआफ नहीं करेगा। ओ मेरे भाई, शिरक मुआफ नहीं जे होना जो मर्जी कर लही तू। शिरक जेड़ा इंसान दियां नस्लां तबाह कर दिंदा है, ए शिरक जेड़ा इंसान नूं जहन्नम वल तोर दिंदा है। तू दुनिया दे उत्ते जितना मर्जी बाखलाक बंदा होए लेकिन नमाज नहीं पढ़ता, रब दी जन्नत दे अंदर नहीं जाएगा। ओ मेरे भाई, जन्नत दा टिकट जाना है, अगर जन्नत जाना है मेरे नबी दी गल मन लै। ओ एक रोज मोमिनो तुम्हें मरना जरूर है, पढ़ते रहो नमाज ये कोले हुजूर है, पढ़ते नहीं नमाज ये अपना कसूर है। एक रोज तख्त पे बैठेगा किबरिया, उस वक्त क्या करोगी तुम्हें आएगी हया, फिर मारे शर्म के तुम सर को झुकाओ।
जाओगे जन्नत तो क्या मिलेगी जहन्नम में जाओगे। और खुदा दी कसम चेहरे दे उते नूर बरकरार रखना चाहना है नमाज पढ़िया कर। और दुनिया दिया मुसीबतां ते आफतां तो बचना चाहना है नमाज पढ़िया कर। मेरे नबी दी शफात पाना चाहना है नमाज पढ़िया कर। जन्नत दे विच जाना चाहना है नमाज पढ़िया कर। लोगां दियां नजरां दे विच ऊंचा बनना चाहना है नमाज पढ़िया कर। लोगां दे सामने अपनी बल्ले बल्ले कराना चाहना है ते नमाज पढ़िया कर। और खुदा दी कसमे इज्जत लभदी है रब दे दरबार दे अंदरों, क्योंकि अल्लाह ही इज्जत देने वाला है। अल्लाह जिन्हों जलील करन ते आवे खुदा दी कसमे बड़िया बड़िया लोगां नू जलील कर दिंदा है। अल्लाह अगर किसे नू इज्जत देन ते आवे और खुदा दी कसमे तेरी गली दे चूड़े ते चमियार नू ही मेरा रब इज्जत देन ते कादर है। मेरा रब इज्जतां देने वाला, इज्जतां जातां नाल नहीं लभदियां, बरादरियां नाल नहीं लभदियां। इज्जत लभदी है नमाज पढ़िया, इज्जत लभदी है कुरान पढ़िया, इज्जत लभदी है नबी पाक दी हदीस दे उत्ते अमल करिया। खुदा दी कसमे इज्जत अगर चाहते हो जन्नत चाहते हो रब दे सामने चुकने वाले बन जाओ। अल्लाह पाक मैनू ते तुहानू नमाज पढ़ने वाला बनाए, अपने सामने सजदे करने वाला बनाए। इंशाल्लाह अगले जुमे तयम्मम दा तरीका, वुजू दा तरीका और जो गुसल दा तरीका नबी अलैहिस्सलाम दी सही हदीस दे अंदरों मौजूद है, इंशाल्लाह अगले जुमे बयान करांगे। सारे साथी टाइम दे नाल तशरीफ लैके आया जे, क्योंकि अगले जुमे तरीका ही बयान किया जाएगा और कुछ एक दो अहादीस यदि फजीलत दे अंदर बयान कीतियां जानगियां। सारे भाई टाइम दे नाल तशरीफ लैके आया करो। अल्लाह पाक तुहाडा आना कबूल मंजूर फरमाए, जरिया नजात बनाए, राह हदायत अल्लाह पाक सानू सारिआं नू अता करे और अल्लाह पाक सानू नमाजी बनाए, बाजमात नमाज पढ़ने वाला बनाए। वाखिरु दुआ।